हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किशोर, आप मेरा चैनल देख रहे हैं दिल्ली हेड किशोर। तो आज का एक छोटा सा व्लॉग होने वाला है एक ऐसे इक्विपमेंट पे जिसको जो हर राइडर की बहुत जरूरत है। तो जब कभी भी मैं कहीं दूर जाया करता था तो मुझे हमेशा एक टेंशन रहती थी, फोन तो नेविगेशन पे लगा पड़ा है, फोन उसमें मोबाइल होल्डर पे लगा पड़ा है, तो बारिश का डर हुआ करता था, धूल मिट्टी बहुत आया करती थी फोन पे ना। तो बारिश सबसे ज्यादा तो बारिश का था, बारिश है फोन को निकालो, जेब में रखो या बैग में रखो, किसी ऐसी जगह रखो जहां भीग ना जाए, और फिर नेविगेशन कैसे देखेंगे। तो इसी के लिए मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट मंगाया, खूब अच्छे से R&D करी तब जाके मुझे प्रोडक्ट मिला है, मैंने अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाया है। तो चलिए जल्दी से मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ उसके अंदर क्या है और क्यों ये जरूरी है सभी राइडर्स के लिए। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, इसको मैं रख देता हूँ साइड में, ये ना वो प्रोडक्ट, और डिब्बे में कुछ बॉक्स में कुछ नहीं आया है, पैकेजिंग ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है। ये छोटा सा एक इसका क्या है जरा देखें हम, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, ये छोटा सा इसके बाद इंस्ट्रक्शन, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पाउच है, आप इसको अनजिप करेंगे तो आपको देखेंगे अंदर एक छोटी सी पॉकेट मिल रखी है। इस पॉकेट के अंदर आप अपने कार्ड पैसे रख सकते हैं, आप फोन को यहाँ से घुसाएंगे, यहाँ डालेंगे और पूरा टच काम करेगा इस पे, ऐसा कुछ नहीं कि टच काम नहीं करेगा, इसको पूरा ये अच्छे से देखिए प्रोटेक्ट हो जाता है, इसमें पानी धूल मिट्टी कुछ नहीं जाएगा। अच्छा स्कूटी पे लगेगा कैसा, मैं ये बता देता हूँ। स्कूटी का जो हैंडल होता है, हम जो चलाते हैं, जो आगे इसका मीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, उस हैंडल पे जाके ये लॉक दो सिस्टम दिए हुए हैं। इसको आप थोड़ा सा ढीला भी कर सकते हैं अगर अपने हिसाब से, और स्ट्रेचेबल भी है, सबसे अच्छी बात है स्ट्रेचेबल है, तो बहुत अच्छे से ये माउंट हो जाएगा उस पर जाकर, और इस तरह से करके ये लग जाएगा। आपको अपनी नेविगेशन देखनी है, फोन चलाना है, कॉल उठानी है, सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ, मेरी स्कूटी बाहर खड़ी है, मैं बाहर दिखाता हूँ ये एग्जैक्टली लगता कैसे स्कूटी में ना। चलिए फिर, तो जैसे कि मैं बाहर आ चुका हूँ, अब आपको इसको मैं स्कूटी पे लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे लगता है स्कूटी पे ना। देखिए ये इस तरह से करके स्कूटी पे लग जाएगा, वो डिपेंड करता है आपकी स्कूटी भी कौन सी है, तो और अच्छे से लग जाएगा। अगर टाइट बन रहा है तो आप थोड़ा सा लूज कर सकते हैं इसको, और यहाँ से लूजिंग का भी ऑप्शन दे रखा है। अब क्या करना है, इस तरह से हो जाएगा, बस आपका स्पीडोमीटर छुप जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि ड्राइविंग करते वक्त हमें स्पीड देखने की जरूरत पड़ेगी बार बार, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम अपना मोबाइल यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको मैं मोबाइल रख के दिखाता हूँ और पूरा दिखाऊंगा कि टच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मैंने मोबाइल रखा, ये मैंने लॉक मारा और अब इसको मैंने अनलॉक किया, तो अब देखिए मोबाइल भी काम कर रहा है, पूरा टच भी काम कर रहा है, मैं पूरा टच काम कर रहा हूँ, ये पूरा टच काम कर रहा है। अब आप नेविगेशन भी यूज कर सकते हैं, आप सब कुछ यूज कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी करना हो, मैप यूज करने हो, सबसे बढ़िया तो मैप के लिए। अब ये पानी से भी सुरक्षित रहेगा, धूल मिट्टी से भी सुरक्षित रहेगा। मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी चीज बताना भूल गया था, एक्चुअली मैंने जब इसको कल यूज किया तो उसमें मैंने इसका एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट आती है, छोटा सा पेपर आता है, जब मैंने इसमें पढ़ा तो कुछ चीजें इसमें बता रखी है, तो उसमें एक्चुअली ना एक चार्जिंग का भी पॉइंट है, तो वो चार्जिंग का पॉइंट मैंने डिस्कवर किया इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा मान लीजिए मोबाइल आगे से लगाएंगे, आपको मैंने जैसे बताया था, ये नीचे देख रहे हैं, ये दो रबर, ये दो इलास्टिक है, ये इसको क्लोज रखने के लिए है। यहाँ से देखेंगे ना, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली चार्जिंग है, आप अपनी चार्ज भी कर सकते हो, आपने लगा रखा है, आप नीचे से केबल डालिए, इसको चार्ज भी कर सकते हो। और दूसरी चीज ये देखिए, ये इसके बैक में देख रहे हैं, ये बैक में ये एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, ठीक है ना। अगर आप अपना चाहें, अगर आपको इसके अंदर नहीं रखना है, ठीक है, अपना फोन नहीं रखना, आप थोड़ा सा आप चाहते हैं एयर वेंटिलेशन बना रहे, तो आप अपने फोन को कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, आप फोन को कुछ यूं करके इस तरह से लगा सकते हैं। अब आप अपना फोन ऐसे भी यूज कर सकते हैं, देखिए आप अपना फोन ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहा इसका चार्जिंग पॉइंट, यहाँ होल दे रखे हैं दो, आपको जहां से केबल निकालनी है वहां केबल लगा सकते हैं। मैं एक बार आपको उसको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से इसको लगा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे ये सब चीज दिखेंगी। मैंने इसको यहाँ से लॉक कर दिया, यही चीज मैंने वहां से इसको लॉक कर दिया। अगर आपको ये थोड़ा सा टाइट लग रहा हो ना, तो आप इसको यहाँ से, ये पॉइंट देख रहे हैं, इसको थोड़ा लूज भी कर सकते हैं। अब इस तरह से करके लग गया, अब आपको करना क्या है, आपको अपना फोन लगाना है। अब इस पाउच को खोलेंगे, अनजिप करेंगे, फोन रखा,
फोन रखा और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब है क्या ना, एक्चुअली ये जो प्लास्टिक है ना, ये नई नई प्लास्टिक है और इसके आपके इंस्ट्रक्शन पे पढ़ेंगे ना, उस पर भी लिखा हुआ है प्लास्टिक इस फोन की स्क्रीन के साथ चिपक जाती है। तो थोड़ा सा इन्होंने कहा है कि आपको इस चीज़ से बचने के लिए ना, ये दोनों चेनों को थोड़ा सा पूरा बंद नहीं करना, थोड़ा सा खुला रहने देना, सो दैट हवा जब जाएगी ना तो ये चिपकेगी नहीं, आपकी जो विजिबिलिटी है फोन की वो अच्छे से दिखेगी। अब यहाँ नीचे से आप वायर डाल के जहाँ भी आपका चार्जिंग पॉइंट है वो चार्ज कर सकते हैं अपने फोन को। अच्छा, अब इसको मैं आपको रिवर्स लगा के दिखाता हूँ। अब हम इसको रिवर्स करते हैं, मैं फोन निकाल लेता हूँ, इसको लॉक को खोल लेता हूँ मैं, बहुत बढ़िया लॉक है, बहुत स्टेडी लॉक है, मतलब इतने टाइट है कि मुझसे जब मैंने पहली बार लगाया था तो ये खुले ही नहीं थे आसानी से ना। अब मैंने इसको उल्टा लगा लेना है, मैंने ये फिर से लॉक कर दिया और ये मैंने फिर से लॉक कर दिया, यहां भी हमने लॉक लगा दिया, ठीक है। अब ये लग गया कुछ उल्टे तरीके से। अब देखिए, अब इसमें मैं फोन लगा लेता हूँ, अगर मान लीजिए आपको सीधे तरीके में इसमें विजिबिलिटी नहीं आ रही है तो अब आप फोन को अपने ऐसे लगा सकते हैं, अब आप ऐसे नेविगेट कर सकते हैं, फोन को ऑन कीजिए, नेविगेशन लगानी कुछ भी लगाना है, ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं फोन को, कोई फोन कहीं नहीं जा रहा है, ना हिलेगा ना निकलेगा, निकलेगा तो ऊपर प्रोटेक्शन है चेन की, ये इसको ऊपर बाहर निकलने नहीं देगी तो ये कहीं नहीं लेगा। तो यही एक छोटी सी चीज़ थी आपको बताने के लिए, और आई होप आपको ये रिव्यू मेरा अच्छा लगा होगा इस पाउच का। अगर आपको ये पाउच अच्छा लगा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों रिलेटिव राइडर के साथ, जो भी आपके दोस्त भाई राइडर्स हैं, और कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड सेफ स्टे सेफ, ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।